छठ महापर्व को लेकर देश भर में तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें, आज से शुरू होने वाले इस महापर्व को लेकर यमुना के किनारे श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और यमुनानगर में कई राज्यों से आकर लोग यहां बसे हुए हैं। पिछले कई सालों से यमुना के किनारे आकर छठ महापर्व पर पूजा अर्चना करते हैं। यमुना के किनारों में फैली गंदगी को देखकर श्रद्धालुओं में भारी निराशा देखने को मिल रही है। यमुना के किनारों के आसपास जहां सीवरेज के ढक्कन टूटे मिले, तो वहीं सीवरेज का गंदा पानी यमुना में जाता हुआ भी देखा गया। नहीं, छठ के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ का पर्व जो है वो मैं समझता हूँ ऐसे ही हमारे यमुनानगर में तो ऐसे ही मनाया जा रहा है जैसे वो बिहार में मनाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ से आते हैं और यहाँ काम करते हैं, तो उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक सफाई की बात है तो निश्चित तौर से हमारा प्रयास है और हम समझते हैं कि जल्दी इस समस्या का समाधान कर लें। सीवर का ढक्कन टूटे हुए हैं जी, और नाले का गंदा पानी हमारे यमुना जी में जा रहा है। इसी में हमने सुबेरे इसमें अर्घ के समय इस पानी के अंदर खड़ा होना है और सूर्य देव की पूजा करनी है जी। इस गंदे पानी को जल्द से जल्द रोका जाए जी। और ये सीवरेज के ढक्कन तीनों टूटे हुए हैं, जो रास्ता वगैरह सारा कुछ बंद है जी, और उस पर गंदगी का ढेर है। छठ मैया, छठ मैया का पर्व पूर्वांचल और यूपी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कल से खरना है और सोमवार को सवेरे अर्घ का अर्घ दे के लोग इस व्रत की समाप्ति करेंगे। लेकिन हम इस यमुना घाट पे खड़े हैं छठ के, यहाँ से सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है, जीरो है। एक तो ये सरकार कहती है कि हिंदुत्व है और हिंदू का ये महापर्व है, लेकिन हिंदुओं की आस्था पे बहुत तगड़ा फेस पहुंचा हमें यहाँ यमुना घाट पे आके देखते। अच्छा, ये क्या क्या व्रत किस काम के लिए होते हैं और क्या किया जाता है इसमें? ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए और लंबी आयु के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए जो माताएं मेहनत रखती हैं उसकी श्रद्धा से ये जो पूरा होता है, तो लोग अपना छठ व्रत करते हैं। इसमें सूरज को, डूबते सूरज को कब अर्घ देंगे और उगते को कब देंगे? सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के बाद। सूर्य अस्त के समय इसको अर्घ देते हैं जी, एक तो सूर्य उदय के समय, शनिवार को सूर्य अस्त के समय दिया जाएगा जी, और सोमवार को सवेरे अर्घ दिया जाएगा। लगभग कितने लोग आते हैं? कम से कम 2.5 से 3 लाख पूर्वांचल और लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई सफाई व्यवस्था नहीं है जी। और हमारे पूर्वांचल और